नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज हम बात करने वाले हैं अपराजिता के पौधे को बीजों से किस तरीके से लगाया जाता है। पूरे साल ये पौधा बहुत अच्छे से ग्रो करता है, लेकिन सर्दियों में इस पौधे की ग्रोथ रुक जाती है और इसकी पत्तियां गिरने लगती हैं। जो इस टाइम पे पौधे की कंडीशन होती है वो इस तरीके की होती है। इसकी आधे से ज़्यादा पत्तियाँ गिर चुकी हैं, लेकिन अब इसमें नई ग्रोथ स्टार्ट हो गई है। जैसे ही फरवरी का महीना आया, इस पौधे में नई ग्रोथ स्टार्ट होने लगी। अभी हम मार्च के महीने में इसको सीड से ग्रो कर सकते हैं। अगर आप अभी इस टाइम पर इसे सीड से ग्रो कर लेते हैं तो पौधा गर्मियों में आपके फ्लावरिंग के लिए तैयार हो जाएगा। तो देखिए दोस्तों, अगर आपके पास भी अपराजिता का पुराना पौधा है तो सबसे पहले तो आप अपने पौधे की कटाई छटाई कर लीजिए। अगर उसकी ब्रांचें बहुत ज़्यादा लंबी हो रही हैं तो उसको कट कर दीजिए, जिससे पौधे में नीचे से नई ग्रोथ होगी। क्योंकि जो पौधे में नई ग्रोथ होती है उसमें फ्लावरिंग बहुत अच्छे से होती है और पौधा बहुत अच्छे से शेप में भी आ जाता है। इसके साथ ही आपको अपने अपराजिता के पौधे को एक अच्छी सूखी हुई खाद देनी है। इस टाइम पे अपराजिता के पौधे को सूखी हुई खाद देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप इसे वर्मी कंपोस्ट, किचन कंपोस्ट या फिर गोबर की खाद में से कुछ ना कुछ एक चीज़ अच्छे से दे दीजिए। अगर आपने पौधा गमले में लगाया है तो 3 से 4 मुट्ठी आप कोई भी खाद पौधे को दे सकते हैं। इसके साथ ही आप मिट्टी में 1 से 2 चम्मच राख भी डाल सकते हैं। इस पर मैंने कुछ दिनों पहले वीडियो बनाया है, आप उसे ज़रूर देखिएगा। मेरे अपराजिता के पौधे में जितने भी बीज लगे थे मैंने सारे के सारे तोड़ दिए हैं और एक ये फली इस तरीके से अभी लगी हुई है। तो देखिए दोस्तों, अगर आपके पास भी अपराजिता की ये फलियां हैं जिनके अंदर इसके बीज होते हैं, तो अगर आपके पास इस तरीके की हरी फली है तो आप उसे छाया वाली जगह पर सुखा लें। आप 5 से 6 दिनों के लिए छाया वाली जगह पर रख देंगे तो जो फलियां होती हैं इस तरीके से बिल्कुल अच्छे से सूख जाएंगी। जब फलियां अच्छे से सूख जाती हैं तो जो इनके अंदर बीज बना है वो बिल्कुल तैयार हो जाएगा लगने के लिए। नहीं तो कई बार जो कच्चा बीज होता है वो उग नहीं पाता है और हमारा बीज बर्बाद हो जाता है। तो देखिए दोस्तों, जो छोटे से ये अपराजिता के 2 पौधे हैं, ये मैंने 10 से 12 जनवरी को लगाए थे और इनको उगने में पूरा 1 महीना लग गया। वो इसलिए क्योंकि उस टाइम पे बहुत ज़्यादा ठंड थी और ठंड में अपराजिता के बीज अच्छे से ग्रो नहीं हो पाते हैं। और जो ये वाला गमला है, इसमें मैंने अपराजिता के बीज 20 फरवरी को लगाए थे और मात्र 10 दिन में ही ये बीज उगाए। तो देखिए दोस्तों, बीजों को उगने के लिए बिल्कुल सही मौसम की ज़रूरत होती है। अगर हम बीज आगे पीछे लगा देते हैं तो कई बार बीज उग नहीं पाते हैं। तो अभी मार्च और अप्रैल में अगर आप अपराजिता के पौधे बीजों से लगाते हैं तो ये बहुत अच्छे से ग्रो कर जाते हैं। तो देखिए दोस्तों, आप अपराजिता के बीजों को कई तरीके से लगा सकते हैं। अगर आप बड़े गमले में अपराजिता के बीज लगा रहे हैं तो 10 इंच से बड़े गमले की आपको ज़रूरत होगी। तो एक गमले में आप 2 बीज लगाइए, जिससे वो बहुत अच्छे से गमले में फैल सकें। इसके साथ ही दोस्तों, आप बीजों को लगाने से पहले सिंपल पानी में 24 घंटे के लिए भिगो के रख सकते हैं। जब आप 24 घंटे के लिए बीजों को पानी में भिगो के रखते हैं तो जो बीज होते हैं बहुत ही जल्दी जर्मिनेट होते हैं। इसके साथ ही आप अपराजिता के बीजों को किसी छोटे गमले में कई सारे बीज एक साथ भी ग्रो कर सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, ये छोटा सा गमला है, इसमें हम बीज ग्रो करेंगे। आप अपराजिता के बीजों को किसी भी टाइप की मिट्टी पर ग्रो कर सकते हैं। इसके लिए कोई विशेष मिट्टी बनाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि दोस्तों सही समय आने पर और सही मौसम में बीज अगर मिट्टी में कहीं पर भी गिरा होता है तो वहीं पर उग जाता है। इसके लिए हमें कोई विशेष मिट्टी बनाने की ज़रूरत नहीं होती है। तो देखिए दोस्तों, इस छोटे से गमले में मैंने 6 से 7 बीजों को इस तरीके से रख दिया है। अपराजिता के बीजों को बहुत गहरी मिट्टी के अंदर नहीं दबाया जाता है, नहीं तो ये ऊपर नहीं आ पाते हैं। तो देखिए दोस्तों, इस तरीके से हम एक लेयर इसके ऊपर मिट्टी की डाल दें, जिससे जो बीज हैं अच्छे से नीचे दब जाएँ। अब हम इसमें अच्छे से पानी दे देंगे। गमले में नमी बनाए रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तभी जो हमारे बीज हैं वो अंकुरित हो पाएंगे। अगर मिट्टी बिल्कुल सूखी रहेगी तो बीज अंकुरित नहीं होंगे। तो इस तरीके से आप भी अपराजिता के बीजों को लगाएं। अभी देखिए दोस्तों, जो ये अपराजिता के पौधे हैं ये बहुत छोटे हैं। जब लगभग अपराजिता का पौधा 5 से 6 इंच का हो जाता है तो उसके बाद आप उसे कहीं पर भी गमले में या फिर ज़मीन में लगा सकते हैं। तो अगर आपके पास भी अपराजिता के बीज रखे हुए हैं तो आप उन्हें अभी लगा दीजिए और गर्मियों आने तक आपका पौधा बिल्कुल तैयार हो जाएगा फ्लावरिंग के लिए। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिएगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।